पूर्व क्रिकेटर आप पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा कि सियासी शतक लगाने का सपना देख रहे गुरु अपनी सियासी पारी में आउट होते हैं या उनकी नई पारी का आगाज होता है। कोर्ट के फैसले का पंजाब की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस में फैसले के बाद बड़ा उलटफेर दिखाई दे सकता है। पंजाब की राजनीति में हलचल तेज आ गई है और सिद्धू के समर्थकों में खामोशी है। रोडरेज मामले में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। बता दें कि 1988 में पटियाला में कार पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह के साथ सिद्धू का विवाद हो गया था और आरोप है कि इस दौरान हाथापाई तक हो गई थी और बाद में गुरनाम सिंह की अस्पताल में मौत हो गई थी। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। सेशन कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू और उनके साथी को बरी कर दिया। बाद में हाई कोर्ट ने सिद्धू और उनके साथी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद और 1,00,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सिद्धू ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद पिछले दिनों इस पर सुनवाई शुरू हुई। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाइयों में सिद्धू के वकील आर एस चीमा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू को सजा सुनाने समय साक्ष्यों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि गैर इरादतन हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो फैसला दिया वह चिकित्सकीय साक्ष्यों पर नहीं था। जस्टिस जे चेलेमेश्वर व एस के कॉल की बेंच के समक्ष उनके वकील आर एस चीमा ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े साक्ष्यों में कई कमियां थी। दूसरे पक्ष के गवाहों ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अलग अलग बयान दिए थे। उनका कहना था कि 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल को जिम्मा दिया गया था कि वह मौत के कारण पर अपनी राय दे, लेकिन इनमें से कुछ को गवाही के लिए नहीं बुलाया गया। केवल 2 चिकित्सकों की ही गवाही दर्ज की गई। पंजाब सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पने से हुई थी, न कि ब्रेन हेमरेज से। सिद्धू को जानबूझकर नहीं फंसाया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि निचली अदालत का फैसला रद्द करने का हाई कोर्ट का आदेश सही है। सिद्धू ने गुरनाम सिंह के सिर पर मुक्का मारा था जिससे ब्रेन हेमरेज में उनकी मौत हुई थी।